मोटू वो देखो, भीड़ किसी बेचारे को मार रही है। इस रोबोट हैंड को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। सही कहा, चलो हम भीड़ को कहते हैं कि अपने हाथों को तकलीफ क्यों दे रहे हो। हम इस रोबोट हैंड से उस आदमी की पिटाई कर देंगे। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है उस बेचारे को भीड़ से बचाओ। अच्छा, रोबोट हैंड भैया, जाओ उस आदमी को बचा लो जो भीड़ से मार खा रहा है। कभी सोचा ना था ऐसा दिन भी आएगा, मोटू अपने हाथों से हमें बचाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया मेरे दोस्त, बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे। बस बस, कविता की दो लाइन अच्छी थी, लेकिन बाद की दो लाइन कविता जैसी नहीं लग रही। बेवकूफों के सरदार, दिमाग से बीमार, मैं कविता नहीं कह रहा था, मोटू को थैंक्स कह रहा था। जॉन हमारा बैंक लूट के भाग रहा था, मुश्किल से उसे पकड़ा था और तुमने उसे भगा दिया। मोटू, ट्रक रेलवे ट्रैक पे फंस गया है, जल्दी कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ करो। अपने हाथ को कहो कि ट्रेन को रोक दे। हाथ भैया, उस ट्रेन को रोक दो। अरे सिर पे क्यों लगा दिया? ताकि तुम्हें हेयर कट नहीं करना पड़े, कुछ छोटे छोटे बाल है, निकल जाएंगे। 10 सेकंड हो गए। ओ, पानी तो नहीं है। अरे नल में भी नहीं आ रहा, मटके में भी नहीं है, अब क्या करे? मोटू, 10 सेकंड की जगह 30 सेकंड हो चुके हैं, तुम शेविंग फोम कपड़े से ही पोंछ लो। ये तो पत्थर की तरह जम गया है, मैं बोल नहीं पा रहा। अरे क्या हो गया, तुम्हारी आवाज भी नहीं निकल रही, मैं अभी इसे निकाल देता हूँ। इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। तुम इस हाल में घर से बाहर नहीं जा सकते, घर के सब काम तुम करो, मैं झटका को लेकर आता हूँ। अगर काम नहीं किया तो मैं पूरे फुरफुरी नगर वालों को ला ला के तुम्हारे बाल दिखाऊंगा। झटका के पास जा रहा हूँ। घर चल के सारा काम करोगे या नहीं? क्या खुशबू है भैया, बस 1 प्लेट समोसे दे दो, पैसे बाद में दूंगा। अरे भैया, ये कौन है जो चेहरा छुपाए बैठा है और क्या मांग रहा है रामजाने, कुछ समझ नहीं आ रहा। मोटू मुंह नहीं खोल पा रहा है, इसलिए वो समोसे भी नहीं खा सकता। आज उसे जी भर के समोसे खिलाओ, इससे बड़ी सजा उसके लिए हो ही नहीं सकती कि समोसे सामने हो और वो खा ही नहीं सकता। ऐसा मत करो पतलू, ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। मैं ऐसा ही करूँगा, आज मैं अपनी अकल का इस्तेमाल करके मोटू को सबक सिखाऊंगा। ये मोटू बाबा है, इन्होंने मौन व्रत रखा है, ये बोलती नहीं है। ये कह रहे हैं, साधु से पैसे मांगोगे तो अगले जन्म में कीड़ा बनोगे, जल्दी से समोसे खिला दो। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, ये पतलू झूठ बोल रहा है। बिना गुठली के खजूर, सफेद चेहरे के लंगूर, तिजोरी साफ करने से मतलब है तिजोरी के रुपए निकाल लो।
अच्छा मोटू जल्दी कुछ करो, ये बैंक तो बलून के साथ ही ऊपर उड़ने वाला है। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ करो। आइडिया, बैंक को नीचे से पकड़ के खींचो, शायद ऊपर जाने से रुक जाए। जॉन मेरे भाई, मेरे यार, ऐसा मत करो, बैंक खुलने से पहले ही बंद मत करो मेरे यार। तुम सबको कानून की कसम, हाथ ऊपर ही रखना वरना। बाय बाय, सी यू, टाटा। निकल लो, चल जल्दी, और तेज और तेज। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, अब मैं हूँ करोड़पति, मुझे रोकेगा कौन? बस कविता तो अच्छी है, लेकिन हमारी लोकेशन अच्छी नहीं है। लोकेशन तो बहुत ही अच्छी है, देखो सफेद बादल, ठंडी हवा, पंछियों के झुंड उड़ के हमारे बगल से जा रहे हैं। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। बस पंछियों के झुंड आसमान में उड़ते हैं, जमीन पे नहीं, नीचे देखो जरा। अरे भैया सॉरी, एक राज की बात बतानी है, बैंक उठ गया। और मोटू हमें मालूम है बैंक लूट गया, हमारे सामने ही लूटा है। नहीं डॉक्टर झटका, बैंक उठ गया, सॉरी वेरी सॉरी, हम कुछ नहीं कर सके। उड़ी पापा, बैंक चिंगम के सामने लूट गया और वो कुछ नहीं कर सका, तो तुम दोनों क्या करते? मैं तो बैंक की सिक्योरिटी चेक कर रहा था, इसलिए बैंक लूटा। ले लो अपने रुपयों को, बैग वापस लो। ओए पतलू, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, कल तुम बॉक्सर से बॉक्सिंग लड़ने वाले हो? बूढ़ी पापा, ऊपर वाले के पास जाना ही था तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना दर्दनाक रास्ता क्यों चुना? डॉक्टर झटका, मैं बॉक्सर को सिखा रहा था कि क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, और खुद ही भूल गया। पूरी पापा, ये बॉक्सिंग कंपटीशन तो दुनिया का सबसे छोटा कंपटीशन होगा। अरे छोटा कैसे होगा, बॉक्सर का एक ही पांच में पतलू सीधा ऊपर वाले के पास जाके हेलो कर रहा होगा, अरे दूसरा पांच का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे ही डरा हुआ हूँ, तुम सब मुझे और डरा रहे हो। उड़ी बाबा, तुम चिंता मत करो, बॉक्सिंग लड़ने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है, ऐसा ट्रेनिंग देगा कि तुम बॉक्सर को हरा देगा। सच? उठ जाओ, हिम्मत मत हारो, सोचो अगर एक बार तुमने बॉक्सर को हरा दिया तो फिर जिंदगी भर वो सिर नहीं उठा पाएगा। मुझे तो डर है कि मैं जिंदगी भर हाथ पैर नहीं चला पाऊंगा। सॉरी, पंच इतना जोर से मारा कि पंचिंग बैग की रस्सी टूट गई और ये दीवार तोड़ के यहाँ आ गिरा। बदलो, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। ओ पतलू मेरे यार, मेरे भाई, बॉक्सर पंच मार के दीवार तोड़ देता है तो तुम्हारा क्या हाल होगा?
अरे पतलू नीचे आओ, कल तुम जीतोगे। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। रात भर यही सोचते रहो कि तुम जीतोगे और देखना तुम ही जीतोगे। तुम जीतोगे, तुम जीतोगे।